हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसका टेस्ट चटपटा होता है और ये चाट बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और छोटे बड़े सभी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी मैदा लेंगे। मैदे को मैंने छान लिया है। 2 टेबलस्पून के जितनी हम सूजी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, 3 से 4 टेबलस्पून के जितना मैंने ऑयल डाला है मोयन के लिए, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह का मोयन चाहिए हमें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। ये देखिए, इस तरह का आटा चाहिए। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को अच्छे से स्मूथ कर देंगे। तो ये हमारा आटा तैयार है। अब हम इसमें से थोड़ा आटा लेकर के लोया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह का लोया चाहिए हमें। अब हम चकले पर थोड़ा सा आटा डाल करके इसे बेलेंगे। तो ये हमने बेल दिया है। ये देखिए, इस तरह से रखना है हमें। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, इसे हम तेल से ग्रीस कर देंगे और पूरी को हम कटोरी पर लगा करके इस तरह से चारों तरफ से हम इसे पैक करेंगे इस तरह से। तो ये अच्छे से पैक हो गई है। अब हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम चक्कू से निकाल देंगे। अब हम कांटे की मदद से इसे छोटे छोटे छेद करेंगे ताकि तलते समय ये फूले नहीं। तो ये हमारी कटोरी तलने के लिए तैयार है। तो गैस पर मैंने तेल को गरम रख दिया है। तो इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब हमारा तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। तेल हमें मीडियम ही गर्म चाहिए। तो अब हम कटोरी को इसमें डाल देंगे और गैस को स्लो कर देंगे। तो आप देख रहे हो, कटोरी को छोड़ने लगा है। अब हम चिमटा लेंगे और कटोरी को पकड़कर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटोरी आराम से निकल गई है और इसे पलट देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है कटोरी का। इसे फिर से पलट देंगे ताकि दोनों साइड से कटोरी में अच्छा कलर आ जाए। तो ये देखिए, हमारी कटोरी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और हमारी कटोरी भी बहुत अच्छी बनी है। इसी तरह से हम सारी कटोरियों को बना देंगे। तो ये हमारी सारी कटोरियां बनकर के तैयार है। आप आवाज़ सुन रहे हो, हमारी कटोरियां बहुत ही खस्ता बनी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम चाट मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है। 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमारा चाट का मसाला बन करके तैयार है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 आलू को बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मैंने मूंग लिया है, इसे भी बॉईल कर लिया है। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे।
एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 2 से 3 चम्मच के जितना दही डालेंगे, ग्रीन चटनी, इमली खजूर की चटनी और ये चाट मसाला डालेंगे और हरा धनिया डाल करके इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने चाट में मूंग डाला है, अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर काले चने या मटर भी ले सकते हो। तो ये हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है, तो इसे हम कटोरी चाट में भरेंगे। दही, प्याज, टमाटर, हरी चटनी, लाल चटनी, चाट मसाला और ऊपर से नमकीन और हरा धनिया। तो ये हमारी टेस्टी चाट बनकर के तैयार है, बहुत ही अच्छी चाट बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।